स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास सेवन्थ की सोशल साइंस की जो बुक है उससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं और उनमें से जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक हों, उन बिंदुओं का संकलन हम आज के वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये कक्षा सात की जो सामाजिक विज्ञान पुस्तक है जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग दो। इससे पहले भाग एक जो था, जो क्लास सिक्स की पॉलिटिकल साइंस की बुक थी, उसके चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर एक ही वीडियो में वो सारे चैप्टर देख सकते हो जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए लाभदायक हैं। ये कक्षा सात की पाठ्य पुस्तक है और किसी भी प्रकार की अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन्हीं पुस्तकों को बेस मानकर वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो वीडियो पर बने रहें, तो शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। इसमें जो ये पहला चैप्टर है समानता, तो इस समानता चैप्टर में क्या इम्पोर्टेंट है वो हम देखने जा रहे हैं। पहला बिंदु है भारतीय संविधान जो है ये सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। कि भारतीय संविधान में ये बात लिखी हुई है कि यहाँ पर रहने वाला जो भी व्यक्ति है वो समान समझा जाएगा, किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, और वो चाहे किसी भी जाति या धर्म से संबंधित हो, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से वो संबंध रखते हों, मतलब वो पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों या गरीब हो या अमीर हो, किसी भी जाति और धर्म का हो, सभी को समान यहाँ पर माना जाएगा। इसलिए भारतीय संविधान में कहा गया है कि वे सब समान माने जाएंगे। अगला बिंदु है कानून की दृष्टि से समानता धर्म जाति वंश जन्म स्थान और स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं होता, सभी के लिए सार्वजनिक स्थलों का उपयोग होता है, सभी उपयोग कर सकते हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन, तो ये कानून की दृष्टि से ये सभी बातें इसमें बताई गई हैं कि सभी के लिए ये जितने भी स्थल या जितने भी ये क्रियाएँ दी गई हैं इनमें सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। अगला बिंदु है सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन जो मिड डे मील चलता है उसकी व्यवस्था सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई थी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, मिड डे मील की जो शुरुआत है वो किस राज्य ने सबसे पहले की थी, तो वो तमिलनाडु राज्य है। और 2001 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 महीने के अंदर अंदर शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। मतलब जो हाई को सुप्रीम कोर्ट है उसने ये आदेश दे दिया कि ये सभी स्कूलों में शुरू किया जाना चाहिए। अगले बिंदु की हम बात करें तो अगला बिंदु है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 क्या कहता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म मूल वंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का विभेद करने पर प्रतिषेध माना गया, मतलब उस पर रोक लगाई गई है। इसमें पहला बिंदु है राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी विभेद नहीं करेगा, मतलब किसी प्रकार का भेदभाव वो नहीं कर सकता। इसमें 15(2) कहता है कि कोई नागरिक केवल धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान या इसमें से किसी के आधार पर दुकानों सार्वजनिक भोजनालयों होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के प्रवेश के लिए उनको छूट है, कि कोई भी अपना व्यवसाय कर सकता है, कहीं भी वो प्रवेश कर सकता है। इसी अनुच्छेद 15(2)(6) में कहा गया है कि पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित
जो कुएं हैं, जो तालाब हैं, स्नान घाट हैं, सड़कें हैं और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा कि सभी के लिए इनके प्रयोग पर छूट दी गई है। तो ये बात अनुच्छेद 15 कहता है। तो इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इसे ध्यान में रखें। अगला बिंदु है संविधान। संविधान क्या होता है? संविधान वो दस्तावेज होता है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया जाता है। कि एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें जनता और सरकार के जो भी नियम कानून हैं वो इस संविधान के अंदर समाहित होते हैं और सभी व्यक्ति को इसके नियमों की पालना करनी होती है, चाहे वो जनता हो चाहे वो सरकार हो। अगला बिंदु है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसमें कहा गया है कि सभी वयस्क, वयस्क कौन होता है? जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का स्त्री पुरुष वयस्क समझा जाता है, कि सभी को, सभी जो वयस्क हैं उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त है। तो ये वही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है कि सभी को मत देने का अधिकार है। अगला बिंदु है किसी भारतीय महिला जिसका नाम है रास सुंदरी देवी, जो पश्चिमी बंगाल से संबंधित है, उनके द्वारा लिखित पहली आत्मकथा, पहली आत्मकथा है ये किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई, जिसका नाम है अमार जीवन, जो बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। किसने लिखी थी? रास सुंदरी देवी ने। तो ये फैक्ट भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। फिर हम बात करें, इसमें चैप्टर 2 जो है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर तीसरा जो चैप्टर है राज्य सरकार, वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम बात करें पहले बिंदु की, तो यहाँ हम देखें पहला बिंदु विधानसभा। विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी विधायक, चाहे वो सत्ताधारी दल के हों, मतलब जिनकी सरकार हो, या फिर वो विपक्षी दल हो या विरोधी दल हो, उनके विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होने वाली जो जगह है वो विधानसभा कहलाती है। कि जैसे अपने राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, उन 200 विधानसभा सीटों में 101 सीट तो जो सत्ता पक्ष होता है उसके लिए निर्धारित हैं, मतलब 101 सीट लाएगा तभी वो सरकार बना पाएगा, और बाकी जो 99 सीटें हैं वो विपक्षी दल में आ जाती हैं। तो उन वो सभी मिलकर, ये 200 विधायक जो हैं ये सभी मिलकर एक जगह एकत्रित होते हैं और किसी समस्या पर विचार विमर्श वो करते हैं, तो वो क्या होती है? विधानसभा होती है। और ये विधानसभा जो है ये ज़्यादातर जो राजधानियाँ हैं वहीं बनाई जाती है। जैसे कि राजस्थान की जो विधानसभा है वो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। अगला बिंदु है विधानसभा के सदस्य को विधायक कहते हैं, मतलब MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो MLA होता है विधायक, जो जनता द्वारा चुना जाता है। इसका चुनाव कौन करता है? विधायक का, जनता करती है। राज्य जो है वो कई निर्वाचन क्षेत्रों में बंटा होता है और हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता क्या करती है? एक प्रतिनिधि, मतलब एक MLA वो चुनती है और उसको वो विधानसभा में भेजती है। अगला बिंदु है जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं उस दल को बहुमत मिल जाता है। तो हमने अभी बात की थी 200 अगर विधानसभा सीटें हैं तो कम से कम आधे से अधिक होती है 101, 101 जिस दल के विधायक जीत जाते हैं तो उनको वो बहुमत मिल जाता है और वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट बनाते हैं, मतलब CM जो होगा वो उन्हीं का होगा। अन्य दलों को विरोधी पक्ष के रूप में जाना जाता है, मतलब अन्य 99 जो विधायक MLA बच गए वो विपक्षी या विरोधी पक्ष के रूप में जाने जाते हैं। अगला बिंदु है सत्ताधारी दल के विधायक अपने में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाते हैं, मतलब उनका चयन करते हैं कि जो 101 जीते हैं उनमें से एक ऐसा वो अपना लीडर बनाएंगे जो CM कहलाएगा। बाद में क्या होता है? राज्यपाल, राज्यपाल को कौन निर्वाचित करता है? केंद्र सरकार
उनको नियुक्त करती है, और वो राज्यपाल क्या करता है, उस मुख्यमंत्री को और उस मुख्यमंत्री द्वारा जो भी नाम सुझाए गए हैं उन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आपको बताना है वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल का क्या नाम है। राज्य का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल कहलाता है, मतलब राज्य का पहला व्यक्ति जो है वो राज्यपाल कहलाता है। जैसे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहते हैं, उसी प्रकार राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल कहलाता है। अगला बिंदु है, कई बार क्या होता है किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, मतलब उस दल की मान लो 99 सीट आई है, मतलब उसमें 2 सीटों की कमी है, तो उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, पूर्ण बहुमत के लिए 101 सीटें चाहिए, तो वो क्या करेगा, अन्य दलों को मिलाकर सरकार बनाता है। तो अन्य दलों से या जो निर्दलीय विधायक हैं उन 2 विधायकों को वो अपनी ओर मिलाएगा तो वो 101 का आंकड़ा पार कर लेगा और वो सरकार बना लेंगे। तो ऐसी सरकार जो होगी वो गठबंधन सरकार कहलाती है, मतलब उसमें एक से ज़्यादा दल जो है वो मिलकर काम करेंगे, वो होता है गठबंधन। अगला बिंदु है, सारे विधायक जो विधानसभा में इकट्ठे होते हैं वो विधायिका कहलाते हैं। मुख्यमंत्री व अन्य विभागों के मंत्री जो हैं वो कार्यपालिका कहलाते हैं, मतलब जो CM होगा और अन्य जो मिनिस्टर होंगे वो तो कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे और सारे विधायक विधायिका के अंतर्गत आते हैं। तो इसी के साथ हमने यहाँ जो 2 चैप्टर हैं क्लास 7th के, उन्हीं के बारे में बात की गई है। यही 2 चैप्टर जो हैं वो कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से लाभदायक हैं, बाकी के चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए हमने उन चैप्टरों को इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है। आपको वीडियो कैसा लगा, तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।